रेवाड़ी में हरचंदपुर और बावल की सीमा के पास एक व्यक्ति की हत्या कर उसके शव को कूड़े के ढेर में जलाकर रख दिया गया। बता दें कि शव इतनी बुरी तरह से झुलस चुका था कि वो कंकाल में तब्दील हो गया। कंकाल नजर आने के बाद आसपास के एरिया में सनसनी फैल गई। हरियाणा में रेवाड़ी जिले के दिल्ली जयपुर हाईवे नेशनल हाईवे संख्या 48 के पास हरचंदपुर रोड पर एक युवक की जली हुई लाश बरामद हुई। अंदेशा है कि उसकी हत्या कर शव जलाया गया। शव एक तरह से कंकाल बन चुका था। सूचना के बाद मौके पर पहुंची बावल थाना पुलिस के अलावा एफएसएल की टीम ने जांच की। शव को कब्जे में लेने के बाद मोर्चरी में रखवा दिया गया। पुलिस की टीमें पूरे मामले की जाँच में जुटी है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली कि हाईवे से हरचंदपुर की तरफ जाने वाले रोड पर राइट हैंड की तरफ कूड़े के ढेर में जली हुई लाश पड़ी हुई है। ये सूचना गाँव हरचंदपुर के ही एक शख्स ने दी थी। सूचना के फौरन बाद पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। खुद बावल एसएचओ लाजपत भी मौके पर पहुंची। इसकी सूचना पुलिस के आला अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद एफएसएल की टीम पहुंची। जांच के दौरान पता चला कि लाश पूरी तरह जल चुकी थी, सिर्फ कंकाल ही बचा हुआ था। एफएसएल की टीम की जांच के बाद उसे कब्जे में लिया गया। पुलिस के मुताबिक मरने वाले शख्स की उम्र करीब 35 साल के आसपास है। वहीं बावल थाना जांच अधिकारी ने बताया कि ऐसा लग रहा है कि किसी दूसरी जगह हत्याकर शव को यहां लाकर जलाया गया हो। यहां काफी सारा कूड़ा पड़ा हुआ है। पुलिस की टीमें हर एंगल से जांच कर रही हैं। आज एक डेड बॉडी अर्चनपुर रोड पे कूड़े के ढेर के पास जली हुई अवस्था मिली है। उम्र करीब लगभग 35 वर्ष होगी। हमें सिद्धार्थ नाम का लड़का जो कि अर्चनपुर का रहने वाला है, उसका फोन प्राप्त हुआ था। जब हाईवे से अर्चनपुर को जाएंगे तो राइट हैंड को जंगल है, वहाँ कूड़े का ढेर पड़ा है। उस कूड़े के ढेर में जली हुई अवस्था में पड़ी हुई है। नहीं, अभी ये तो जांच का विषय है, अभी कुछ नहीं कह सकते। ऐसा प्रतीत होता है कहीं से और कहीं से मार करके यहाँ ला के जलाया गया। बहरहाल कंकाल नजर आने के बाद आसपास के एरिया में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस की तरफ से शिनाख्त को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। रेवाड़ी से टोटल टीवी के लिए श्याम बाटला की रिपोर्ट।